हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर फोर क्लास एट के चैप्टर नंबर वन रेशनल नंबर्स का इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक होगा तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन करते हैं रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन तो यहाँ पर हमें दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं और इनको हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ठीक है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले हम तीन केसेस समझ लेते हैं सबसे पहले आपको तो ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हम ऊपर वाले नंबर को कहते हैं और डिनोमिनेटर हम नीचे वाले नंबर को कहते हैं ठीक है अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ध्यान से सुनना अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे हम करेंगे डिवाइड डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा रेशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है ठीक है दूसरा केस क्या है अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे तब हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तब हम समझ जाएंगे कि वो रेशन नंबर या तो वन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा या फिर माइनस वन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा ठीक है जैसे कि मैं आपको नंबर देता हूँ एक फ़ाइव अपॉन में फाइव ठीक है आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों इक्वल है अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा वन ही आ जाएगा ठीक है तो ये वन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा अगर मैं लेता हूँ माइनस का फाइव अपॉन में फाइव इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा ठीक है ना तो अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो वो रेशन नंबर या तो वन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा या फिर माइनस वन के ऊपर होगा पॉजिटिव का नंबर होगा तो वो वन पे रिप्रेजेंट होगा अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो माइनस वन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा ठीक है थर्ड केस है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तब हम क्या करेंगे तब भी हमें डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर न्यूमरेटर डिनोमेटर से छोटा होगा तब रेशनल नंबर या तो ज़ीरो और वन के बीच में आएगा ठीक है या फिर माइनस वन और ज़ीरो के बीच में आएगा ओके अगर हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव हुआ तो वो ज़ीरो और वन के बीच में आएगा अगर हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव हुआ तो वो माइनस वन और जीरो के बीच में आएगा ठीक है तो ये तीनों केसेस आपको याद रखने हैं जब भी आप एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में देखो न्यूमरेटर है सेवन डिनोमिनेटर है फोर यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट क्या है सेवन अपॉन में फोर डिवाइड करेंगे सेवन को फोर से ठीक है फोर जा, फोर सेवन में से फोर जाएगा कितना बचेगा थ्री बचेगा ठीक है अब थ्री तो फोर से डिवाइड होगा नहीं तो हम लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल जैसे ही आप यहाँ पर डेसिमल लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट होता है ठीक है थर्टी में से ट्वेंटी एट माइनस होगा क्या बचेगा टू बचेगा उसके बाद डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम एक और ज़ीरो लगा सकते हैं फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड करने पर क्या आया 1.75 ठीक है अब ये 1.75 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा वन के और टू के बीच में आएगा ठीक है ना 1.75 पॉइंट वन और टू के बीच में आएगा अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है जीरो वन टू ओके अब आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर में है यहाँ पर फोर तो हम क्या करेंगे इंटीजर्स के बीच में फोर पार्ट्स कर देंगे डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उतने पार्ट्स आपको इंटीजर्स के बीच में करने हैं जैसे कि यहाँ पर फोर दे रखा है तो हम इंटीजर्स के बीच में फोर पार्ट्स करेंगे सबसे पहले जीरो और वन के बीच फोर पार्ट्स करते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है जीरो और वन के बीच फोर पार्ट्स कर लिए उसके बाद वन और टू के बीच फोर पार्ट्स करते हैं वन टू थ्री और ये हो गया आपका फोर अब देखो सेवन अपन फोर को रिप्रेजेंट करना है जीरो जीरो के बाद वन अपॉन में फोर वन अपॉन में फोर के बाद टू अपॉन में फोर फिर थ्री अपॉन में फोर थ्री अपॉन में फोर के बाद फोर अपॉन में फोर फोर अपॉन में फोर लेकिन जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर वन ही आ जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर आप फोर अपॉन में फोर की जगह पर वन लिख सकते हो उसके बाद फाइव अपॉन में फोर सिक्स अपॉन में फोर सेवन अपॉन में फोर और फिर क्या आएगा एट अपॉन में फोर एट अपॉन में फोर अगर आप इसको कट करोगे तो फोर टू जट होता है तो यहाँ पर एट अपॉन में फोर की जगह पर आप टू लिख सकते हो ठीक है हमें सेवन अपॉन में फोर को रिप्रेजेंट करना था तो ये रहा सेवन अपॉन में फोर ठीक है तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है अब करते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है माइनस का फाइव अपॉन में सिक्स ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर में आ रहा है फाइव डिनोमिनेटर में आ रहा है सिक्स न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो इस केस में हम क्या समझेंगे कि रेशनल नंबर या तो हमारा जीरो और वन के बीच में आएगा या फिर माइनस वन और जीरो के बीच में आएगा ठीक है ना अगर हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव होता तो ये आता ज़ीरो और वन के बीच में लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव में है तो ये आएगा माइनस वन और ज़ीरो के बीच में ठीक है आप इसको चेक भी कर सकते हो आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री एंड ऐसी समथिंग इसका कुछ आंसर आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है तो ये माइनस वन और जीरो के बीच में ही आएगा एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है नेगेटिव रेशनल नंबर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स इनको हम लेफ़्ट साइड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ीरो और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स यानी कि यहाँ पर होगा माइनस वन और यहाँ पर होगा माइनस टू ठीक है ध्यान रखना है नेगेटिव नंबर्स को हम लेफ़्ट साइड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को राइट right साइड पर ठीक है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है सिक्स तो हम इंटीजर्स के बीच में सिक्स पार्ट्स करेंगे ठीक है ना वन टू थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स ठीक है अब माइनस वन और माइनस टू के बीच में सिक्स पार्ट्स कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स ठीक है अब हमें माइनस फाइव अपॉन में सिक्स को रिप्रेजेंट करना है पहले इसको लिख लेते हैं जीरो के बाद क्या आएगा माइनस वन अपॉन में सिक्स माइनस टू अपॉन में सिक्स माइनस थ्री अपॉन में सिक्स माइनस फोर अपॉन में सिक्स माइनस फाइव अपॉन में सिक्स यहाँ पर देखो माइनस सिक्स अपाउन में सिक्स इसको कट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा ठीक है ना तो माइनस सिक्स अपॉन्ट में सिक्स की जगह आप माइनस वन लिख सकते हो उसके बाद माइनस सेवन अपाउंट में सिक्स माइनस एट अपाउंट में सिक्स माइनस नाइन अपाउंट में सिक्स माइनस टेन अपाउंट में सिक्स माइनस इलेवन अपाउंट में सिक्स माइनस ट्वेल्व अपाउंट में सिक्स इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू ठीक है ना सिक्स टू जो ट्वेल्व होता है तो माइनस टू की जगह पर आप माइनस ट्वेल्व अपॉन में सिक्स भी लिख सकते हो या फिर उसे माइनस टू भी लिख सकते हो ठीक है ना हमें माइनस फाइव अपॉन में सिक्स को रिप्रेजेंट करना था तो ये रहा माइनस फाइव अपॉन में सिक्स ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू करते हैं रिप्रेजेंट माइनस टू अपॉन में इलेवन माइनस फाइव अपॉन्ट में इलेवन माइनस नाइन अपॉन में इलेवन ऑन द नंबर लाइन ठीक है तो हमें इन तीन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है आप देख सकते हो इन तीनों रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ठीक है ना तो इस केस में हम क्या समझते हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स या तो ज़ीरो और वन के बीच में आएंगे या फिर माइनस वन और ज़ीरो के बीच में आएंगे ठीक है और आप देख सकते हो ये तीनों रेशनल नंबर्स नेगेटिव हैं नेगेटिव है इसका मतलब माइनस वन और जीरो के बीच में आएंगे ठीक है ना आपको याद रखना है अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं जीरो माइनस वन ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या है इलेवन तो हम क्या करेंगे जीरो और माइनस वन के बीच इलेवन पार्ट्स कर देंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये हो जाएगा एलेवन ठीक है 11 पार्ट्स कर दिए अब देखो ज़ीरो के बाद माइनस वन अपॉन में 11, उसके बाद माइनस टू अपॉन में 11, उसके बाद माइनस थ्री अपॉन में 11, माइनस फोर अपॉन में 11, माइनस फाइव अपॉन में 11, माइनस सिक्स अपॉन में 11, माइनस सेवन अपॉन में 11 माइनस एट अपॉन में इलेवन माइनस नाइन अपॉन में इलेवन माइनस टेन अपॉन में इलेवन और इसके बाद क्या आएगा माइनस इलेवन अपॉन में इलेवन अगर आप इसको कट करोगे तो एलेवन वंजा इलेवन होता है ठीक है तो आप इसको कट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा माइनस इलेवन अपॉन में इलेवन की जगह हम माइनस वन भी लिख सकते हैं ठीक है ना उसके बाद माइनस टू अपॉन में इलेवन को रिप्रजेंट करना था गेरा माइनस टू अपॉन में इलेवन माइनस फाइव अपॉन में इलेवन को रिप्रेजेंट करना था गेरा माइनस फाइव अपॉन में इलेवन माइनस नाइन अपॉन में इलेवन को रिप्रेजेंट करना था गेरा माइनस नाइन अपॉन में इलेवन ठीक है तो इस तरीके से हमें नंबर लाइन के ऊपर इन तीन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं राइट फाइव रेशन नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू तो हमें यहाँ पर क्या करना है फाइव रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि टू से छोटे हों, ठीक है टू टू भी एक रेशनल नंबर है ठीक है इसको भी मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरीके से टू अपॉन में वन करके ठीक है ना तो टू भी एक रेशनल नंबर है अब टू से छोटे अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं हमें सिर्फ यहाँ पर फाइव रेशनल नंबर्स लिख देने हैं वन ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है one, zero, minus one, minus two, minus three, इन सब नंबर्स को भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ये भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और ये सभी नंबर्स टू से छोटे हैं ठीक है आप अपनी इच्छा से कोई भी फाइव रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो कि टू से छोटे हों ओके अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपॉन में फाइव एंड वन अपॉन में टू तो हमें यहाँ पर टेन रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं माइनस टू अपॉन में फाइव और वन अपॉन में टू के बीच में ठीक है माइनस टू अपॉइंट में फाइव वन अपॉइंट में टू सबसे पहले हम क्या करेंगे हम दोनों रेशन नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे इस रेशन नंबर में डिनोमिनेटर आ रहा है फाइव इस रेशन नंबर में डिनोमिनेटर है टू तो सबसे पहला हमारा काम क्या है डिनोमिनेटर्स को सेम करना ठीक है कैसे करेंगे हम क्या करेंगे एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर्स का फाइव टू टू वन ज़ा टू फाइव ऐसे का ऐसे ही रहेगा उसके बाद फाइव से डिवाइड होगा फाइव वन जाइव वन ऐसे का ऐसे ही तो कितना आ जाएगा एलसीयम टू मल्टीप्लाई फाइव टू फाइव ज़ा टेन ठीक है तो अब हम क्या करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स को टेन बनाएंगे ठीक है फ़ाइव में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरा आंसर टेन आ जाए तो फाइव में मैं टू मल्टीप्लाई करूँगा फ़ाइव टू ज़ा टेन होता है जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है टू टू ज़ा फोर यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये भी माइनस का आएगा ठीक है अब इधर देखो टू में मुझे फ़ाइव की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू फाइव ज टेन होता है ठीक है ना जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है वन फाइव जा फाइव होता है ठीक है माइनस टू में फाइव क्या बन गया माइनस फोर अपॉइंट में टेन वन में टू क्या बन गया फाइव अपॉइंट में टेन हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं टेन रेशनल नंबर्स इनके बीच में चेक करते हैं कि टेन रेशनल नंबर्स आएंगे या फिर नहीं ये क्या है माइनस फोर और ये क्या है फाइव ठीक है माइनस फोर और फाइव के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर ठीक है यही आएंगे कितने हुए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो माइनस फोर में टेन और फाइव में टेन के बीच सिर्फ आठ रेशनल नंबर्स आएंगे। लेकिन हमें कितने चाहिए थे हमें चाहिए थे टेन रेशनल नंबर्स तो इससे तो काम नहीं बनेगा अब हम क्या करेंगे अब हमें डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को टेन बनाया था इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा डिनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए अब हम इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे आप चाहो तो टू थ्री फोर फाइव किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है हमें डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है यहाँ पर मैं यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करता हूँ टेन टू ज ट्वेंटी होता है ठीक है जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एट आ जाएगा ठीक है इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दो टेन टू 20 ट्वेंटी ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई होगा फाइव टू 10. टेन ठीक है तो अब हम डिनोमिनेटर को टेन ना लेकर ट्वेंटी लेंगे ठीक है ना माइनस टू में फाइव अब क्या बन जाएगा माइनस एट में ट्वेंटी वन अपॉन में टू अब क्या बन जाएगा टेन अपॉन में ट्वेंटी अब मुझे इसके बीच में अगर टेन रेशनल नंबर्स निकालने हों तो वो आराम से निकल जाएंगे देखो यहाँ पर है माइनस एट में ट्वेंटी इसके बाद क्या आएगा माइनस सेवन अपॉन में ट्वेंटी ठीक है माइनस सिक्स अपॉन में ट्वेंटी माइनस फाइव अपॉन में ट्वेंटी माइनस फोर अपॉइंटमेंट ट्वेंटी माइनस थ्री अपॉइंटमेंट ट्वेंटी माइनस टू अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी माइनस वन अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी जीरो अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हो या फिर जीरो अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी भी लिख सकते हो ठीक है बात एक ही है वन अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी टू अपॉन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हमारे टेन रेशनल नंबर्स आ गए जो कि माइनस टू में फाइव और वन में टू के बीच में आते हैं ठीक है आप कोई भी टेन रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो माइनस एट में ट्वेंटी और टेन में ट्वेंटी के बीच में आते हो जैसे कि यहाँ पर थ्री अपॉइंटमेंट ट्वेंटी फोर अपॉइंटमेंट ट्वेंटी फाइव 20, ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी ये भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि ये भी माइनस एट ट्वेंटी और टेन अपॉइंटमेंट ट्वेंटी के बीच में आते हैं आप कोई भी टेन रेशनल नंबर्स लिख सकते हो ठीक है ना जो कि इन दोनों के बीच में आते हो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ टेन रेशनल नंबर्स लिखने हैं अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन तो यहाँ पर भी आपको फाइव रेशनल नंबर्स निकालने हैं इन रेशन नंबर्स के बीच में ठीक है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं टू अपॉन में थ्री और फोर अपॉन में फाइव ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे थ्री और फाइव का एलसीएम लेंगे ठीक है सबसे पहले से थ्री से डिवाइड होगा थ्री जा थ्री फाइव ऐसे का ऐसे ही उसके बाद से फाइव से डिवाइड होगा फाइव जा फाइव ठीक है तो क्या आ गया एल्सियम थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन आ गया ठीक है डिनोमिनेटर को फिफ्टीन बनाएंगे फाइव में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर फिफ्टीन आए तो फाइव में मुझे थ्री की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फाइव थ्रीजा फिफ्टीन होता है जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो फोर थ्रीजा ट्वेल्व होता है ठीक है अब इधर भी वही करना है थ्री में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर फिफ्टीन आए तो थ्री में आप फाइव की मल्टीप्लाई करोगे थ्री फाइव ज फिफ्टीन होता है जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है टू फाइव ज टेन होता है ठीक है तो क्या निकल के आया टेन अपॉन में फिफ्टीन और ट्वेल्व अपॉन में फिफ्टीन डिनोमिनेटर सेम हो गया लेकिन अगर आप इनके बीच में रेशनल नंबर निकालोगे तो सिर्फ एक ही निकलेगा ठीक है और वो कौन सा होगा एलेवन अपॉन में फिफ्टीन होगा ठीक है ना ये रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आता है ठीक है लेकिन हमें कितना रेशनल नंबर्स निकालना है हमें तो फाइव रेशनल नंबर्स निकालने हैं ठीक है थीके? तो हमें डिनोमिनेटर को बड़ा करना होगा तो मैं यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है ना आप टू से थ्री से फोर से फाइव से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको बस डिनोमिनेटर को बड़ा करना है ठीक है डिनोमिनेटर से बड़ा करने से क्या होगा न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा ठीक है और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर हम और भी रेशल नंबर्स बीच में फाइंड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो देखो यहाँ पर मैं फ़ोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिफ्टीन फोर सा कितना होता है सिक्सटी होता है ठीक है इधर भी फिफ्टीन फोर सा करोगे तो सिक्सटी आ जाएगा ठीक है ना ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई कर दो टेन फोरजा फोर्टी ट्वेल्व फोरजा फोर्टी एट ठीक है तो अब देखो टू अपॉन में थ्री क्या बन गया फोर्टी अपॉन में सिक्सटी फोर अपॉन में फाइव क्या बन गया फोर्टी एट अपॉन में सिक्सटी अब आप इसके बीच में सेवन रेशन नंबर्स निकाल सकते हो ठीक है फोर्टी वन 43, टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन लेकिन हमें सिर्फ फाइव रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम यहाँ पर फाइव रेशनल नंबर्स कोई भी लिख देंगे फोर्टी वन अपॉन में सिक्सटी फोर्टी टू अपॉन में सिक्सटी फोर्टी थ्री अपॉन में सिक्सटी फोर्टी फोर अपॉन में सिक्सटी ठीक है और फोर्टी फाइव अपॉन में सिक्सटी तो आप कोई भी फाइव रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो कि इन दोनों के बीच में आते हो ठीक है तो इस तरीके से होना था फर्स्ट पार्ट अब करते हैं सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है माइनस थ्री अपॉन में टू और फाइव अपॉन में थ्री ठीक है तो डिनोमिनेटर सेम करना है हमें हम लेंगे एलसीएम टू का और थ्री का ठीक है टू वनजा टू होता है थ्री ऐसे का ऐसे ही फिर थ्री से करोगे थ्री वनजा थ्री तो में कितना आ जाएगा टू मल्टीप्लाई थ्री यानी कि सिक्स तो अब डिनोमिनेटर को सिक्स बनाते हैं थ्री में मुझे टू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थ्री टू ज़ा सिक्स होता है जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो फाइव टू ज़ा टेन होता है ठीक है इधर देखो टू में मुझे थ्री की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू थ्री जहाँ सिक्स होता है यहाँ पर भी मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से होगी माइनस का नाइन आ जाएगा ठीक है अब इन दोनों के बीच में हमें फाइव रेशन नंबर्स लिखने हैं तो आप कोई भी फाइव रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो इन दोनों के बीच में आते हो ठीक है जैसे कि माइनस एट अपॉइंट में सिक्स ठीक है माइनस फाइव में सिक्स, माइनस टू अपॉइंट में सिक्स ठीक है वन अपॉइन्ट में सिक्स थ्री अपॉइंट में सिक्स ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी फाइव रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो कि इन दोनों के बीच में आते हो ओके अब करते हैं थर्ड पार्ट वन अपॉन में फोर और वन अपॉन में टू ठीक है एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स का फोर टू 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 ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू से जाएगा टू वन जो टू वन ऐसे का ऐसे ही क्या आया एलसीएम सी टू फोर ठीक है दोनों के डिनोमिनेटर्स को फोर बनाएंगे यहां पर देखो फोर को फोर बनाने के लिए मुझे सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर जा फोर होता है ऊपर भी मेरे को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है वन जा वन होता है ठीक है टू को फोर बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू टू जोर होता है उसके बाद सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वन टू ज़ा टू होता है तो वन अपॉन में फोर और टू अपॉन में फोर निकल के आया और इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे बड़ा डिनोमिनेटर बनाएंगे मैं यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी ठीक है ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो टू फाइव ज़ा टेन वन फाइव ज़ा फाइव ठीक है तो अब देखो ये निकल के आया फाइव अपॉन में ट्वेंटी और टेन में ट्वेंटी अब अगर आप इसके अंदर रेशनल नंबर्स निकालोगे तो कितने आएंगे सिक्स में ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी एट अपॉइंटमेंट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सिर्फ फोर रेशन नंबर्स निकलेंगे तो इससे भी काम नहीं बनेगा हमें और भी बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा अब हमें इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा तो मैं इसको टू से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है ट्वेंटी टू जा फोर्टी होता है इधर भी देखो ट्वेंटी टू ज़ा फोर्टी होता है ठीक है ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फ़ाइव टू जेन इधर टू से मल्टीप्लाई करोगे टेन टू जा ट्वेंटी ठीक है तो टेन अपॉन में फोर्टी और ट्वेंटी अपॉन में फोर्टी तो इसके बीच में तो फाइव रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे आराम से 11 अपॉन में फोर्टी ट्वेल्व अपॉन में फोर्टी थर्टीन अपॉन में फोर्टी फोर्टीन अपॉन में फोर्टी और फिफ्टीन अपॉन में फोर्टी ठीक है तो इस तरीके से आप फाइव रेशनल नंबर्स इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकाल सकते हो ठीक है तो इस तरीके से होना था ये क्वेश्चन अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं राइट फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस टू तो यहाँ पर हमें फाइव रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि माइनस टू से बड़े हों ठीक है माइनस टू माइनस टू भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको भी पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं ठीक है ना माइनस टू को मैं माइनस टू अपॉन में वन इस तरीके से लिख सकता हूँ तो माइनस टू भी एक रेशनल नंबर है अब माइनस टू से बड़े अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं ठीक है तो आप उनमें से कोई भी फाइव रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जैसे कि माइनस टू से बड़ा माइनस वन होता है ज़ीरो भी माइनस टू से बड़ा होता है ठीक है ना वन टू थ्री ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं जो कि माइनस टू से बड़े हैं ठीक है ये सब भी आपके रेशनल नंबर्स हैं और आप ये लिख सकते हो ठीक है और इनके अलावा आप और कोई भी अपनी इच्छा से लिख सकते हो ठीक है तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री अपॉइन में फाइव एंड थ्री अपॉइन में फोर तो यहाँ पर हमें क्या करना है टेन रेशनल नंबर्स निकालने हैं थ्री अपॉन में फाइव और थ्री अपॉन में फोर के बीच में ठीक है थ्री अपॉन में फाइव थ्री अपॉन में फोर ठीक है डिनोमिनेटर अलग अलग हैं सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम निकालेंगे फाइव का और फोर का ठीक है टू से डिवाइड करेंगे फाइव तो ऐसे ही रहेगा टू टू ज फोर फिर से टू से डिवाइड होगा फाइव ऐसे का ऐसे ही टू वन जा टू अब ये फाइव से डिवाइड हो जाएगा फाइव वन जो फाइव एलसीएम क्या आएगा टू टू जा फोर फोर फाइव ज ट्वेंटी डिनोमिनेटर को अब ट्वेंटी बनाएंगे ठीक है फाइव में मुझे फोर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फ़ाइव फोर ज़ा ट्वेंटी होता है जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा. थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व होता है ठीक है यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा फ़ोर फाइव ज़ा ट्वेंटी होता है जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा वो ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है थ्री फ़ाइव ज़ा फिफ्टीन होता है ठीक है तो ट्वेल्व अपॉइंट में ट्वेंटी और फिफ्टीन अपॉइंट में ट्वेंटी आ गया अब देखो इसके बीच में टू रेशनल नंबर्स आते हैं थर्टीन अपॉइंट में ट्वेंटी और फोर्टीन अपॉइंट में ट्वेंटी लेकिन हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं टेन रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इससे तो काम नहीं चलेगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है आप चाहो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो फोर से फाइव से सिक्स से एट से टेन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको बस क्या करना है डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है ठीक है ट्वेंटी फोरज़ा कितना होता है एटी होता है यहाँ पर भी देखो ट्वेंटी फोरज़ा एट्टी होता है ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व फोरज़ा फोर्टी एट होता है ठीक है फिफ्टीन फोरजा कितना होता है सिक्सटी ठीक है ना तो अब इन दोनों के बीच में टेन रेशनल नंबर्स आराम से निकल आएंगे ठीक है देखो फोर्टी एट के बाद फोर्टी नाइन अपॉन में एट्टी ठीक है फिफ्टी अपॉन में एट्टी फिफ्टी वन अपॉइंट में एट्टी फिफ्टी टू में एट्टी फिफ्टी थ्री में एट्टी फिफ्टी फोर में 80, फिफ्टी फाइव में 80, फिफ्टी सिक्स में 80, ठीक है फिफ्टी सेवन में 80, फिफ्टी एट में 80, कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन रेशन नंबर्स हो गए ठीक है अगर आप यहाँ पर टू से या थ्री से मल्टीप्लाई करते तो आपके फिर जो नंबर्स निकल के आते उससे आप टेन रेशनल नंबर्स नहीं निकाल पाते ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है मिनिमम फोर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फोर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे टेन रेशनल नंबर्स निकल आए अब फोर से ऊपर तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ ही जाएगा फाइव से करो सिक्स से करो सेवन से करो किसी से भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग कीप ग्रोइंग